नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। पंजाब सरकार द्वारा बटाला के सबसे पुराने बैरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज के खेल के मैदान से रास्ता निकाले जाने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में बटाला से पूर्व कांग्रेसी मंत्री अश्विनी सेखड़ी भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के द्वारा बटाला जलंधर रोड को जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं दूसरी तरफ इसे राजनीति भी कहा जा सकता है, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट और स्टाफ द्वारा छात्रों के साथ ये प्रदर्शन कॉलेज गेट के आगे बैठकर किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बटाला के पूर्व विधायक अश्विनी सेखड़ी के आने पर यह शांतिपूर्ण धरना बटाला जलंधर रोड पर पहुंच गया। हालांकि अगर सेखड़ी चाहते तो अपनी ही पंजाब सरकार से बात कर पूरा मामला हल करवा सकते थे और प्रदर्शनकारियों को भी समझा कर प्रदर्शन खत्म करवा सकते थे। वहीं सेखड़ी और कॉलेज मैनेजमेंट के प्रदर्शनकारी स्टाफ के द्वारा कहा जा रहा है कि 75 साल पुराने बैरिंग कॉलेज की चार दीवार तोड़कर खेल के मैदान से किसी भी कीमत पर कोई रास्ता नहीं निकलने दिया जाएगा। आज के सांकेतिक धरने के बाद भी स्थानीय प्रशासन और पंजाब सरकार द्वारा इस मामले को हल नहीं किया जाता तो आने वाले समय में संघर्ष को और तीखा किया जाएगा। सर, इस तरह के जेड़ा लोकल प्रशासन है बटाले का, वो कल नजायज कब्जा करन आ गया बेरिंग कॉलेज के, कहिंदे विचों सड़क कढ़नी है, निशानदेही करनी है, और कहिंदा उन्होंने कोई जिहड़ा 5-10 दिन पहलों कोई नोटिस देना हुंदा है तां कि कॉलेज मैनेजमेंट अपना विचार रखे, वो नहीं दिता। उस दे विरुद्ध जिहड़े सी स्टूडेंट, स्टाफ, विद्यार्थी ते मैनेजमेंट ते लोकल जिहड़े साडे पोलिटिकल नुमाइंदे है, उन्होंने धरना दिता। आज़ादी तो पहलां तो यही बेरिंग कॉलेज का कैंपस रहा है, और सरकार ने 25-30 साल पहलों जिहड़ा शिव कुमार बटालवी ऑडिटोरियम है वह जगह ऐसे अवज रही सी भी जिहड़ा इत्थे रस्ता सी। सो यह जिहड़ा विद्यक अदारा है इहदे ते अटैक है। अगर प्रशासन अपनी मनमर्जी करता है तो की कदम रहेगा? जे प्रशासन मनमर्जी करता है तो साडा अंदोलन जिहड़ा है होर सरगर्मी नाल लड़िया जाएगा। बेरिंग कॉलेज उत्ते कल 100 तो वध लोग एडमिनिस्ट्रेशन की छत्रछाया च आए तो आ के इत्थे उन्होंने सड़कों की बेनती करनी शुरू करती। जदों की मैं होश संभाली है बेरिंग कॉलेज चार दुआरी तो इदा ही नज़र आ रही है। 40-45 साल मेरी होश के इस तरह ही बेरिंग कॉलेज है, 100 साल तो पुराना कॉलेज है, और इतों के प्रिंसीपल और स्टाफ ने कल उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट किया तो चले गए, और इतों की जगह हथियाना चाहते थे। अज पूरे विद्यार्थी और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सारी इतने धरने पर बैठी है, क्योंकि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा, इसलिए मैं आके नाल सॉलीडरिटी ज्वाइन कर रहा शो कर रहा सी, नाल खलोते हैं इन्होंने बेरिंग कॉलेज। तालिबानी सोच है जी इतने अपना कॉलेजों डिस्टर्ब करना चाहती है, मनोरिटी है, मसीह भाईचारे का कॉलेज है, और पूरे दे पूरे बॉर्डर जिले च इस चीज़ का रोष पाया जा रहा। जे नजायज कब्जे तोड़ना चाहते हैं ये तालिबानी सोच में चाहिए है, तो पहला जो वे वे लीडर उन्होंने नजायज कब्जे तोड़ा पहला अफसर के तोड़ा। वहीं सेखड़ी और कॉलेज प्रशासन का ये भी कहना था कि पंजाब सरकार के नुमाइंदों की तालिबानी सोच को चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सोच बटाला को तोड़ने के लिए दिखाई दे रही है, और अगर सरकार ने कॉलेज के खेल मैदान से सड़क बनानी है तो पहले सरकार के नुमाइंदों के नाजायज कब्जे छुड़वाएं, फिर कॉलेज के खेल मैदान की तरफ ध्यान दें। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।